प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग भारत में स्थानीय शासन का विकास का अध्ययन कर रहे थे। उसके तहत हम लोगों के क्या है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसकी कुछ विशेषताएं या प्रावधानों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। शेष जो प्रावधान हैं उनके बारे में हम देखते हैं। नगरीय निकायों की शक्तियाँ और दायित्व। नगरीय निकायों के द्वारा जो भी कार्य या दायित्व, शक्ति या सत्ता के संदर्भ में इस संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बनाकर इन संस्थाओं को क्या है स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और सत्ता क्या है प्रदान करेगा। ऐसे कानून के माध्यम से इन संस्थाओं को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण व संविधान की एक नई अनुसूची इसके द्वारा जोड़ी गई थी, संविधान संशोधन के द्वारा, जिसको 12वीं अनुसूची कहते हैं। उसमें जो बताए गए क्षेत्र हैं उनसे संबंधित का क्या है कार्यों को करने के लिए क्या है इनको क्या है दायित्व दिए जाएंगे। तो एक नई अनुसूची भी क्या है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसको 12वीं अनुसूची कहते हैं। इसमें कुछ विषय या कार्यों का क्षेत्र बताए गए हैं। कुल इसमें क्या है 18 हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो है नगर आयोजना, उसमें कितने थे 29 थे 11वीं में, इसमें कितने हैं 18 12वीं में। पहला है नगर आयोजना, दूसरा है भूमि का विनियमन, भवनों का निर्माण और उपयोग, तीसरा आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजना, पांचवा सड़क व पुल, चौथा सड़क व पुल, पांचवा घरेलू उद्योग व व्यावसायिक प्रयोजन के लिए जल व्यवस्था, छठा लोक स्वास्थ्य व सफाई, सातवां अग्निशमन सेवाएं फायर ब्रिगेड, आठवां नगरीय वानिकी व पर्यावरण संरक्षण, नौवां कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, दसवां गंदी बस्तियों का विकास व उत्थान, ग्यारहवां निर्धनता का निवारण, बारहवां बाग उद्यान खेल के मैदान आदि सुविधाएं जुटाना, तेरहवां सांस्कृतिक व शैक्षणिक उत्थान, चौदहवां जो दाह गृह हैं शवों के दाह संस्कार के लिए दाह गृह हैं, विद्युत दाह गृह हैं उनका निर्माण करना, दाह गृह का मतलब शमशान घाट वगैरह जो हैं, 15वां काइन हाउस जो हैं और पशुओं के प्रति जो निर्दयता का निवारण करने से संबंधित कार्य करना, 16वां जन्म व मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना, 17वां सड़कों का विद्युतीकरण, वाहन खड़े करने के स्थान बस स्टॉप आदि का निर्माण व संधारण करना, 18वां बूचड़खानों का क्या है विनियमन करना। इस प्रकार से क्या है नगरीय निकायों की क्या है शक्तियों और दायित्व इस अधिनियम में बताए गए हैं। अगला जो है नगर निकायों को कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ, ये भी लगभग वैसा ही है जैसा पूर्व में था। संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसके माध्यम से क्या नगर निकायों को कोष के निर्माण और उसमें होने वाली जो आय है उसकी कंट्रोलिंग का दायित्व क्या है जो विधानमंडल है उनको सौंपा गया है, और राज्य विधानमंडल जो है इस मामले में अधिनियम बनाता है, कानून बनाता है, और नगर निकायों के द्वारा जो लगाए जाने वाले कर हैं उनका निर्धारण करता है, और राज्य की संचित निधि से भी क्या है नगर निकायों को क्या है जो दिए जाने वाला अनुदान है उसका भी क्या है ये प्रावधान करता है। इस प्रकार से क्या है कर लगाने व कोष एकत्र करने की शक्तियाँ हैं। अगला है वित्त आयोग का गठन। संविधान संशोधन जो है इसमें के अनुच्छेद 243 आई जो है उसके तहत क्या है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, और उस वो जो वित्त आयोग है आई के तहत तो वही क्या है नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति भी समीक्षा करता है, और राज्य के जो राज्यपाल हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार क्या है नगर निकायों को यह दायित्व जो है उसी आयोग को सौंप सकेंगे जो पंचायती राज के लिए गठित है। अर्थात जो पंचायती राज के लिए गठित वित्त आयोग है
वही नगरीय निकायों के लिए भी क्या है, काम करता है। तो इसमें क्या कुछ बताए गए हैं बिंदु, जैसे राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कर हैं, ड्यूटी है, टोल टैक्स हैं, फीस हैं, उसे जो आय होती है उसका क्या है, राज्य सरकार वे जो नगरीय निकाय हैं उनके मध्य में वितरण करने का ये अनुशंसाएँ करता है, नियम बताता है वित्त आयोग। और नगर निकायों के द्वारा जो भी लगाए जाने वाले कर हैं, ड्यूटी है, टोल टैक्स है, फीस है, उसका बारे में भी ये बताता है। राज्य की जो संचित निधि है उससे क्या नगर निकायों को क्या अनुदान देने से संबंधित अनुशंसाएँ भी करता है। और इसके अलावा राज्य के जो नगर निकाय हैं उनकी सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के लिए क्या है, राज्यपाल के द्वारा क्या है, कोई भी अगर कार्य सौंपा जाता है उसका निर्वहन भी क्या है, ये वित्त आयोग करता है। और जो ये वित्त आयोग है हर साल अपना प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन है वो राज्य सरकार के स्पष्टीकरण सहित विधानमंडल के सम्मुख क्या है, राज्यपाल के द्वारा रखवाया जाता है। इसके पश्चात अगला है नगर निकायों का लेखा व अंकेक्षण, अकाउंट एंड ऑडिटिंग। ये भी वैसा ही है कि विधानमंडलों को यह जिम्मेदारी दी गई है या अधिकृत किया गया है कि वो नियम बनाकर के नगर निकायों के द्वारा जो आय और व्यय है उसके रखे जाने वाले लेखे और उनका जो ऑडिटिंग है उनके संबंध में क्या है, प्रावधान के लिए नियम बनाएंगे। अगला जो है वो है नगर निकायों के चुनावों से संबंधित प्रावधान। इसमें भी क्या है, जो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, जो अनुच्छेद 243 के तहत गठित किया गया था, वही क्या है नगरीय निकायों के लिए भी काम करता है। और उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि वो मतदाता सूचियों का तैयार करता है, चुनाव के आयोजन के संबंध में मतलब जो भी कार्य हैं उनका अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करता है। और किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में क्या है वो निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से क्या है, इसमें भी क्या है वही बातें बताई गई है। इसके बाद है जिला आयोजना के लिए क्या है समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिले में जो कार्यशील पंचायती राज संस्थाएं हैं और जो नगरीय निकाय हैं उनके द्वारा जो तैयार योजनाएं हैं उनको क्या है एक समेकित रूप दिया जाता है। जो भी मतलब पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा तैयार योजनाएं और नगरीय निकायों के द्वारा जो तैयार योजनाएं हैं उनको एक इंटीग्रेटेड क्या रूप दिया जाता है। और प्रत्येक ज़िले में क्या है इसके लिए एक जिला नियोजन समिति का गठन किया गया है जो जिले के लिए क्या विकास की जो समग्र योजना है उसका क्या है प्रारूप विकसित करती है और फिर उसको क्या है राज्य सरकार के पास भेज दिया जाता है। तो इसके लिए क्या है जो समिति है उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, क्या मतलब ऐसा सिस्टम है, तो उसके लिए आवश्यक प्रावधान जो हैं वो राज्य विधानसभा द्वारा कानून बनाकर तय किए जाते हैं। इसी प्रकार क्या है महानगरों के लिए भी क्या है आयोजना समिति है। प्रत्येक महानगर के लिए क्या महानगरीय नियोजन समिति आयोजना समिति का गठन का भी प्रावधान किया गया है और उसमें बताया गया है राज्य के विधानमंडल जो हैं वो अधिनियम बनाकर इस प्रकार से गठित किए जाने वाली जो नगरीय महानगरीय नियोजन समिति है उसके लिए क्या प्रावधान करेंगे। जैसा कि जिला आयोजना समिति थी वैसे क्या महानगर के लिए भी क्या आयोजना या प्लानिंग कमेटी है, तो इसके लिए क्या विधानमंडल क्या है आवश्यक प्रावधान करता है। और वो जो नगरीय विकास है ये जो महानगरीय नियोजन समिति है ये नगर के नगरीय विकास के लिए क्या एक ड्राफ्ट बनाती है और उसको क्रियान्वित करती है राज्य सरकार की अनुशंसा के या अनुमति के हिसाब से। इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि जो महानगर है उसका मतलब ये होता है 10 लाख से ज़्यादा की जो आबादी होती है उसको क्या है महानगर कहते हैं, जिसमें एक या एक से अधिक जिले भी कई बार शामिल हो जाते हैं या दो से अधिक नगर पालिकाएँ पंचायतें भी जुड़ी होती है। और राज्य विधानमंडल के इन समितियों की संरचना, सदस्यों के चुनाव की जो पद्धति है और इनमें केंद्र राज्य विधानमंडल इन समितियों की संरचना, सदस्यों के चुनाव की पद्धति, इनमें केंद्र या राज्य सरकार या अन्य जो संगठन है उनका प्रतिनिधित्व, अध्यक्ष के चुनाव की पद्धति, ये सभी क्या है इसमें क्या है प्रावधान किए जाते हैं। तो
इस प्रकार से क्या है, देश के नगरीय निकायों के संगठन में जो भी विषमताएं रही है, जो भी न्यूनताएं रही है पूर्व के जो प्रावधानों में, क्या उनको दूर करके क्या है 74वें संविधान संशोधन में क्या है ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे क्या है वो सशक्त हो सके। तो ये जो दोनों संविधान संशोधन हैं उनके हिसाब से क्या है, सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ क्या है पंचायती राज अधिनियमों, नगर निकायों से संबंधित अधिनियमों में क्या आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लिया है, और त्रिस्तरीय व्यवस्था और जो अन्य आवश्यक जो प्रावधान हैं, अनिवार्य प्रावधान हैं, उनको भी क्या है लागू कर दिया है। तो इस प्रकार से क्या है हमारे ये जो स्थानीय भारत में स्थानीय शासन जो है उसके विकास के सारे चरण क्या है कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में हम क्या है आपके पाठ्यक्रम में जैसा उल्लिखित किया गया है नगरीय स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाएं जो हैं उनकी संगठन कैसा है, संरचना क्या है, कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे।